हम बनाएंगे सूजी से वेज मिनी उत्तपम। इसके लिए हमने ये 2 कप सूजी ले लिया है। 2 कप में 1 कप दही डाल दें, जरूरत के हिसाब से पानी डालें, इसका एक घोल की तरह हम बना लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, पानी जितना जरूरत हो उतना डाल लें। इस तरह का घोल बना लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालें, घोल के हिसाब से नमक डाल दें। इसे भी साथ में मिक्स कर लें। आधा नींबू का रस डालें, आधी चम्मच हरी मिर्च रस की भी डाल दें। इसे ढक के आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें, सूजी भीग जाए तब तक। पानी की और जरूरत हो तो थोड़ा पानी और डाल लें। सूजी भीग चुका है, अब हम ये शिमला मिर्च प्याज टमाटर को बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से घोल हो चुका है, सब्जी भी बारीक काट ली हमने, टमाटर प्याज शिमला मिर्च, इसमें धनिया पत्ता भी डाल लिया है और थोड़ी हरी मिर्च भी काट के डाल ली है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सोडा डालें खाने का, इसे मिक्स कर लें। गैस पे एक तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए, तवा गरम हो चुका है। अब इसमें इस तरह से छोटे छोटे उत्तपम डाल दें। आप चाहे तो बड़ा साइज का भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर ये सब्जी डालें, सब्जी को अच्छी तरह से फैला लें। इस पे बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा चाट मसाला डालें, घी या तेल कुछ भी डाल के इसे सेक लें। हम घी डाल के सेक रहे हैं, आप चाहे तो तेल डाल के भी सेक सकते हैं। अब इसे हम पलट देंगे, तो हल्के हाथों से दबा दें। गैस को एक बार धीमी आंच पे कर दें और इसे सिकने दें। ये इस तरह के सिक चुके हैं। अब इन्हें सॉस या चटनी या नारियल की चटनी के साथ सर्व करें। सूजी का मिनी उत्तपम रेडी है, इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही हल्के होते हैं, स्वादिष्ट भी।